तरक्की की ओर से लगातार आपको कार्रवाई दिखाई जा रही थी कि ज्वाइंट मिनिस्टर नवाई मंसर की तरफ से पूरे शहर में छापामारी की जा रही है। जहाँ जहाँ अवैध रूप से शराब पिलाने का कारोबार चल रहा था उन्हें सूचना मिली थी और कई दुकानों को उन्होंने सीज भी कराया, उनके चालान भी काटे हैं। उनसे मैडम से जानते हैं आज किस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई करी है। मैडम आज आप शहर में निकले किस प्रकार की कार्रवाई? कर्फ्यू एनफोर्समेंट के तहत ही जगह जगह पर इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं कि कहाँ पर कहीं पर भी अगर कर्फ्यू का उल्लंघन, कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें हमने ये भी देखा है कि लोगों के बीच में जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे, जैसे बेकरी शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स को लेकर के, तो उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि केवल राशन की शॉप्स को आवश्यक उसमें आइटम्स में रखते हुए एग्जेम्प्ट किया गया है। प्रोविजन स्टोर पे आपको ज़रूरत की ब्रेड इत्यादि जो बेकरी आइटम्स आम तौर पे चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। उसके अन्यत्र बेकरीज को खोलने की कोई भी अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की ब्लैक को तुरंत रिपोर्ट करें। अगर ब्लैक मार्केटिंग जैसे वाइन शॉप की अभी यहाँ पर की जा रही थी यहाँ पर, तो उस तरह की किसी भी गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें, इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम किस तरह से बताया जा रहा है कि आपने दूध डेयरी की दुकानें ही बंद करवाई हैं? दूध और डेयरी को खुलने की अनुमति है, बेकरी को खुलने की अनुमति नहीं है। ज्वाइंट मिनिस्टर नवाई बंसल का कहना है कि दूध व डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी और कन्फेक्शनर्स बेकरी की दुकानें वो पूर्ण तरह से बंद रहेगी, उनकी दुकानों को अनुमति नहीं है। धन्यवाद।